आप देख रहे हैं दखल न्यूज। गुस्सा आता है जब मासूम बच्चों को हैवानियत से नोचा जाता है। गुस्सा आता है जब आए दिन अखबारों में लुटती आबरू का जिक्र आता है। गुस्सा आता है जब मध्य प्रदेश का नाम महिला अत्याचार में सबसे ऊपर आता है। मैं मध्य प्रदेश की नारी हूं और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब इस महंगी डिग्री के बावजूद मुझे नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। अरे गुस्सा आता है जब स्टार्टअप कॉन्क्लेव, स्वरोजगार योजना और इन्वेस्टर समिट में रोजगार का झूठा वादा किया जाता है। आज भी याद है मुझे, हाथ जोड़कर कर्ज लिया था पापा ने। सोचा था नौकरी करके उनका बोझ हल्का कर दूंगा, पर आज खुद ही बोझ बन गया हूँ। मैं मध्य प्रदेश का युवा हूँ और रोजगार के झूठे वादे करने वाली इस भाजपा सरकार पर अब मुझे गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है मुझे जब मुझे मेरी फसल का पूरा दाम नहीं मिल पाता है। गुस्सा आता है जब मंडी पर बैठा वो बिचौलिया मेरे पैसे खा जाता है। गुस्सा आता है जब कर्ज के बोझ में दबा एक किसान मौत को गले लगाता है। गुस्सा आता है जब मुआवजे के लिए मुझे हाथ फैलाना पड़ जाता है। गुस्सा आता है जब मेरे किसान भाइयों पर कोई गोली चलवाता है। मैं भी मध्य प्रदेश का किसान हूं और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। नमस्कार, बेबाक बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेन गुप्ता इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। भूपेन जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। भूपेन जी के बारे में परिचय कराऊं तो बात वही होगी कि हिमालय को आइसक्रीम दिखाना। भूपेन जी पेशे से इंजीनियर रहे लेकिन समाज सेवा और राजनीति से लगातार जुड़े रहे, यही वजह है कि कांग्रेस के विचार विभाग के प्रमुख हैं। और इस समय 2018 के चुनाव के लिए जो पोल खोल अभियान समिति है उसके भी आप प्रमुख हैं और मीडिया विभाग का काम भी भूपेन जी देखते हैं। भूपेन जी, एक बात बताइए, ये पोल खोल जैसा अभियान क्यों चलाना पड़ा? देखिए, 15 साल में जो है जनता के संसाधनों को लूटकर जनता के पैसे के माध्यम से ही मीडिया पर कब्जा करके झूठे विज्ञापनों के माध्यम से सरकार ने एक कहना चाहिए छद्म छवि का निर्माण किया कि ये बहुत ही कल्याणकारी सरकार है और उन योजनाओं के लगातार सैकड़ों करोड़ों रुपया उस पर जनता के धन का बर्बाद किया गया। और लेकिन वो योजनाएं सतह पर थी, वो योजनाएं ज़मीन पर नहीं थी, गरीबों तक नहीं थी, गांव देहात तक नहीं थी। तो जनता को ये बताना आवश्यक महसूस किया गया कि उनके नाम पर जिन योजनाओं के ढिंढोरे पीटे जा रहे हैं वे योजनाएं वास्तव में कल भूपेन जी, मैं देख रहा था टेलीविजन पे आप बहुत सारे आंकड़े गिनवा रहे थे कृषि विभाग को लेके। जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार जब थी तब भी आत्महत्याएं होती थी किसानों की, अब भी आत्महत्याएं होती, किसानों की आत्महत्या का सिलसिला रुका नहीं, लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, किसानों की आत्महत्याएं लगातार हो रही हैं, ये अपने आप में तथ्य है, मैं इससे आपसे सहमत हूँ, लेकिन उनमें इजाफा हो रहा है और एक कहना चाहिए कि ट्रेंड और एक के रूप में इजाफा हो रहा है, ये भी दूसरा तथ्य है। और ये हमें देखना पड़ेगा कि इनमें जो है वृद्धि क्यों हो रही। हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर बेरोजगारी के कारण 500% ग्रोथ हुई है आत्महत्या करने वाले बच्चों में। वो चिट्ठी लिखकर उन्होंने आत्महत्या की है कि हम बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या कर रहे हैं, ये छोटे आंकड़े नहीं हैं। मैंने विधानसभा में देखा जब जानकारी आती तो बड़े चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं।
कृषि मंत्री का बयान आया कि कुछ किसानों ने भूत प्रेत के कारण आत्महत्या कर ली, कुछ किसानों ने प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या कर ली, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इक्का दुक्का किसी ने प्रेम प्रसंग में भी की होगी सामान्यता जो है, लेकिन वो जो किसान प्रेम प्रसंग में आत्महत्या करेगा वो बुढ़ापे में नहीं करेगा, वो नौजवान होगा कोई, और वो नौजवान हो जब आत्महत्या भूत प्रेत के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ये सिर्फ जो है एक शासकीय लीपापोती का एक पार्ट होता है, इस तरह की जो है पुलिस जो लिख ले कारण, आदमी उस समय इतने शोक में और दुख में होता है, पुलिस कहाँ अंगूठा लगवा रही, क्या कर रही है, कौन पूछता है इस बात को, लेकिन वास्तविक चीज़ें तो जनमत में होती हैं, लोग जानते हैं, पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक रूप से लोग जानते हैं कि कारण क्या था, वो कारण ज़्यादातर समय में, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100%, लेकिन अगर 100 आत्महत्याएँ हो रही हैं तो उनमें 70-80, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में ऐसी आत्महत्याएँ भी हुई हैं, किसान ये लिखकर मरा है, उसकी FIR दर्ज है, देवास के पास ये आष्टा के आगे के एक गांव की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकार ने उसको जो है नकली बीज सप्लाई किए, नकली बीज, नकली खाद, साहूकारों से परेशान होके कई तरह के किस्से सामने आ रहे हैं, और मध्य प्रदेश सरकार कहती है कि हम 0% पर किसान को सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई है? देखिए, भावांतर योजना भी लेके आई किसानों के, सब फ्रॉड, ये जो है जनता को एक तरह से कहनी चाहिए उनकी आंखों में धूल झोंकने के प्रयत्न, भावांतर में बिचौलियों को फायदा हुआ, किसान को क्या लाभ हुआ, अभी तक पे लोगों के भुगतान नहीं हुए, मैं आपको ऐसी सैकड़ों किसानों की सूची दे सकता हूँ जो भावांतर का डिफरेंस लेने के लिए अभी तक तड़प रहे हैं। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 0% ब्याज का जो मिथ है इसको समझने की जरूरत है, किसान को समझने की जरूरत यह है कि इसमें जो है कि किस किसान को ये पैसा मिल रहा है, उस किसान को पैसा मिल रहा है जिसके पास पैसा इतना है कि वो समय पर इसको चुका सकता है। सरकार ने एक नीति ये बना रखी है कि 28 फरवरी को ये पैसा जमा करना चाहिए, अब 28 फरवरी को ये पूरा प्रदेश जानता है, प्रदेश का हर किसान जानता है, सरकार खुद भी जानती है कि 28 फरवरी को आदमी की फसल ही नहीं पकती तो उसके पास तो भुगतान आएगा नहीं, तो 28 फरवरी को वो भुगतान चुका नहीं पाता, वो डिफाल्टर हो जाता है, डिफाल्टर हो जाता है तो उसको 15-15% ब्याज लगता है। आप जो बात कह रहे हैं वाजिब हैं सारी बातें, और शिवराज सिंह साहब कहते हैं कि मैं किसान पुत्र हूँ, किसानों की मुझे चिंता है, किसानों की परवाह करता हूँ, इसलिए किसानों के लिए नीतियाँ बना रहा हूँ, और कांग्रेस खामोखा हल्ला मचाती है। अगर आप किसान के बेटे हैं तो ये बताइए ना कि आपकी सरकार जो है नकली बीज सप्लाई क्यों कर रही है? मैं ऐसी समितियों के नाम गिना सकता हूँ आपको ऑन रिकॉर्ड, सरकार खुद भी मानती इन बातों को, हम कोई ऐसे रिकॉर्ड नहीं कहेंगे जो सरकार नहीं मानती, जिन समितियों के पास 10 लाख रुपए नहीं है वो समितियां डिफाल्टर हो गई, इसलिए उससे जुड़े हुए सैकड़ों किसान उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। कई भी इस सरकार ने उन किसानों की सुध ली है जो डिफाल्टर समितियों के किसान हैं, और ना अब उन्हें खाद मिल रहा है, ना बीज मिल रहा है, ना कीटनाशक मिल रहा है, क्यों? क्योंकि उनकी समिति की जो है साख खत्म हो चुकी है। बीजेपी के अध्यक्ष, ये सरकार को इस बात का गहन अध्ययन करना पड़ेगा, और ये सरकार को बताना चाहिए, मध्य प्रदेश की सरकार को मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि इस सरकार ने तो बाकायदा एक कमेटी बनाकर, एक छोटा सा आयोग टाइप बनाकर इस बात की जो है परीक्षण कराया कि हमारी प्रदेश में किसान लोग आत्महत्या क्यों करते हैं। यही वजह है कि आप ये वादा कर रहे हैं, राहुल गांधी जहां जाते हैं वादा करते हैं कि हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। निश्चित रूप से, देखिए राहुल जी ने खुला वादा किया 10 दिन में, हमारे कमलनाथ जी हर जगह जहाँ जा रहे हैं वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम 10 दिन, 10 में से 11वां दिन नहीं लेंगे, हम किसान का कर्जा माफ करेंगे, क्योंकि ये किसान का अधिकार है, ये किसान का हक है, वो जो अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करता है, आज मध्य प्रदेश के विकास में जो उसका योगदान है, क्या हम उसको जब उसको बुरे वक्त में ऊपर नहीं उठाएंगे? अच्छा, बीजेपी के जो अध्यक्ष अमित शाह वो ये कहते हैं कि किसान और आम आदमी हमारे साथ है, और इस बार 200 पार 200 पार का आंकड़ा उन्होंने खुद ही घटा लिया है, डर गए वो, और इस तरह के झूठे और मिथ्या नारे लगाने का, डींगे मारने का भारतीय जनता पार्टी को शौक है, ये इनके DNA का एक पार्ट है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि आप पुराने जर्नलिस्ट हैं, आप ये जानते हैं कि ये कहते थे, इनके एक नेता थे जगन्नाथ राव जोशी, ये नारा लगाते थे कि वो कर्नाटक केसरी, और कर्नाटक केसरी की जमानत जब्त हो जाती थी, तो ये डींगे मारना इनका पुराना शगल है, और ये ढींगे मार के ही लोगों को प्रभावित करने की कोशिश। नहीं, राजनीति में अब जुमलेबाजी भी हो गई, आपकी बार 200 पार या 15 लाख अकाउंट में आ जाएंगे, कहीं कांग्रेस का भी अगर सरकार आती है तो ऐसे ही जुमला तो नहीं बन जाएगा कि किसानों का कर्जा माफ़ हो, बाद में कर्जा माफ होता ही नहीं है? पहली बार कोई पार्टी देश में वचन पत्र की बात कर रही,
वो कांग्रेस है। हमारे जो कमलनाथ जी हैं उन्होंने ये स्पष्ट बार बार करा है और कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि हम अपना घोषणा पत्र वचन पत्र के रूप में लाएंगे और उनमें वही घोषणाएं करेंगे जिनकी हम पूर्ति कर सकते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि लाखों किसानों से हमने जो है फॉर्म भरवा लिए, हम उनके कर्जे की असेसमेंट कर रहे हैं, हम जो है बैंकों को अप्रोच कर रहे हैं कि कहाँ पर किस तरह का कर्जा है, कृषि से संबंधित कितने कर्जे पेंडिंग हैं और उनकी किस तरीके से उनका समायोजन की व्यवस्था बनाई जा सकती है। हम ये हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। ये तो किसान की बात हो गई। अगर आप सत्ता में आते हैं जैसा आप कह रहे हैं तो और क्या पहली 4-5 चीज़ें होंगी जो सबसे पहले की जाएंगी जिससे लगे कि शिवराज सिंह सरकार में गलतियाँ हुई थी, बीजेपी की सरकार 15 साल रही तो ये गड़बड़ियाँ हुई थी, क्या क्या ठीक करना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। हम उस प्रतिष्ठा को वापस लाएंगे जो व्यापम के माध्यम से जो लूटखोरी हुई है और पूरे विश्व में हमारी थूथू हुई है, हम उस प्रतिष्ठा को वापस लाने का काम करेंगे। दूसरी चीज़, आज जो गरीब है, आज उसके नाम पर आज वो अस्पताल में जाता है उसको दवा नहीं मिलती है, आज वहाँ पर डॉक्टर नहीं मिलता है, आधे अस्पताल जो है कंपाउंडरों के भरोसे चल रहे हैं और इतने बेशरम इनके मंत्री हैं कि एक मंत्री ने तो इनके चिकित्सा मंत्री ने ये बयान भी दे दिया कि नर्सों के भरोसे नहीं चलेंगे तो क्या डॉक्टरों के भरोसे चलेंगी अस्पतालें। ये मुख्यमंत्री एक मेडिकल कॉलेज में जाके अपने परीक्षण के दौरान कहता है कि हमारे तो अस्पताल नरक हो गए। तो नरक हो गए तो शर्म क्यों नहीं आ रही आपको? उसको स्वर्ग बनाने की कोशिश कीजिए। लेकिन जो संसाधन है हमारे, जनता के टैक्स से जो जुटाए हुए पैसे हैं, उन पैसों का उपयोग क्या हो रहा है? 4-5 निजी अस्पतालों को सेठ बनाने में, उन्हें मोटा बनाने में उस पैसे का उपयोग हो रहा है। आप भूपेन्द्र जी कह रहे हैं नरक हो रहे हैं, वो कह रहे हैं रामराज है, सब तरफ शांति है, शांति का टापू है मध्य प्रदेश, और जो गड़बड़ियां होती हैं, जो कुछ होता है वो कांग्रेस करती है। देखिए, रामराज अगर चल रहा है तो यात्राएं क्यों छोड़नी पड़ रही हैं? अगर रामराज चल रहा है तो तुम्हारे विधायकों को लोग दौड़ा दौड़ा के क्यों मार रहे हैं? अगर रामराज चल रहा है तो कैसा रामराज चल रहा है कि धर्म के नाम पर जो है चंदा बटोरती है भारतीय जनता पार्टी, उसका विधायक जो है धार्मिक आयोजनों के नाम पर चंदा मामा बनता है और उसके बाद उस पैसे से क्या करता है? उस पैसे से जो है दशहरे के दिन वो जो है बार वाला नचवाता है रूस से बुला के। इसके लिए पैसा दे रही है जनता क्या? इसके लिए आप उनकी आस्थाओं का शोषण कर रहे हैं? यही तुम्हारे संस्कार हैं? इसी भारतीयता का आप निर्माण कर रहे हो? इसी को आगे बढ़ा रहे हैं? ये जवाब जनता मांग रही है, उन्हें देना पड़ेगा। जवाब जनता मांग रही है, जनता को जवाब देना पड़ेगा। भूपेन गुप्ता साहब को मैं जितना जानता हूँ बहुत शालीन और शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, लेकिन आक्रोश आवेश आज उनके अंदर भी देखने को मिल रहा है और कांग्रेस का जो कैंपेन है वो भी बहुत आक्रोशित करने वाला है। और कैंपेन ही शुरू होता है कि गुस्सा आता है और गुस्सा लाजमी भी है। ये गुस्सा क्यों है, इस गुस्से का परिणाम क्या होगा, इस सब पर हम बातचीत जारी रखेंगे भूपेन गुप्ता के साथ। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। गुस्सा आता है जब मासूम बच्चों को हैवानियत से नोचा जाता है। गुस्सा आता है जब आए दिन अखबारों में लुटती आबरू का जिक्र आता है। गुस्सा आता है जब मध्य प्रदेश का नाम महिला अत्याचार में सबसे ऊपर आता है। मैं मध्य प्रदेश की नारी हूं और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब इस महंगी डिग्री के बावजूद मुझे नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। अरे गुस्सा आता है जब स्टार्टअप कॉन्क्लेव, स्वरोजगार योजना और इन्वेस्टर समिट में रोजगार का झूठा वादा किया जाता है। आज भी याद है मुझे, हाथ जोड़कर कर्ज लिया था पापा ने, सोचा था नौकरी करके उनका बोझ हल्का कर दूंगा, पर आज खुद ही बोझ बन गया हूँ। मैं मध्य प्रदेश का युवा हूँ और रोजगार के झूठे वादे करने वाली इस भाजपा सरकार पर अब मुझे गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है मुझे जब मुझे मेरी फसल का पूरा दाम नहीं मिल पाता है। गुस्सा आता है जब मंडी पर बैठा हुआ बिचौलिया मेरे पैसे खा जाता है। गुस्सा आता है
जब कर्ज के बोझ में दबा एक किसान मौत को गले लगाता है, गुस्सा आता है जब मुआवजे के लिए मुझे हाथ फैलाना पड़ जाता है, गुस्सा आता है जब मेरे किसान भाइयों पर कोई गोली चलवाता है। मैं भी मध्य प्रदेश का किसान हूं और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद विभाग बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेन गुप्ता इस समय मेरे साथ में। भूपेन जी, आपका जो कैंपेन आया उसकी शुरुआत ही होती है गुस्से के साथ। ये जनता के अंदर व्याप्त है गुस्सा, और ये क्रोध जो है सरकार के कंप्लीट फेल्यूअर का है, सरकार के पूरी तरह से डिस्कनेक्ट का है। एक महिला टीवी स्क्रीन पर अचानक आती है और वो खुद की सुरक्षा को लेकर, बच्चियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाती हैं और उन्हें गुस्सा आता है। मध्य प्रदेश का नाम जब महिला अपराधों में नंबर वन पे आता है, बलात्कार में जब नंबर वन पे आता है, तो मुझ जैसे तमाम लोगों का सिर शर्म से झुक जाता है। आप इस मुद्दे को भी ढंग से कैश नहीं करा पाए। इस पे जितने आंदोलन कांग्रेस को करने चाहिए थे, जो कुछ होना चाहिए था वो कर नहीं पाई। कहीं मानते हैं कहीं फेल्यूअर हैं? नहीं, इसमें फेल्यूअर की बात नहीं है। किसी भी जो लोकतांत्रिक समाज में जो सरकार जब उत्तरदायी नहीं होती, वो गूंगी और बहरी होती है, तो कांग्रेस जो है उसके खिलाफ कोई अराजकता खड़ी करने में विश्वास नहीं करती। जो संवैधानिक मंच थे, संवैधानिक फोरम थे, हमने हर जगह आवाज उठाई, प्रदर्शन भी किए, जनता भी जुड़ी, और जनता के अंदर ये जो आज गुस्सा धधक रहा है वो इसलिए धधक रहा है। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। भोपाल में एक बलात्कार हुआ, एक पुलिस वाले की बच्ची के साथ हुआ, उसके बाद जो आक्रोश भोपाल में पैदा हुआ, आप देखें किसी पुलिस वाले के खिलाफ क्या FIR दर्ज की गई? FIR दर्ज करने का जो कानून है सुप्रीम कोर्ट ने बनाया हुआ है, क्या सुप्रीम कोर्ट के कानूनों का पालन हो रहा है? और जब वो बलात्कार हुआ भोपाल में, उसके ठीक हफ्ते भर के अंदर मुख्यमंत्री की कांस्टिट्यूएंसी रेहटी में बलात्कार हुआ, 6 दिन तक FIR दर्ज नहीं की गई। 6 दिन तक FIR दर्ज नहीं। यही तो निवेदन है कि सारे इशू थे, सबसे बड़ा इशू था बेटियों की सुरक्षा का, बेटी बचाओ की बात की जाती है, और जिस समय हम बातचीत कर रहे हैं बड़े शर्म के साथ ये कहना पड़ता है टेलीविजन पे मेरे को कि इस समय भी एक बहन एक बेटी के साथ रेप की घटना हो रही होगी मध्य प्रदेश में। तो ये सब होते हुए इसको, मैं यही तो चाहता था कि इस पे कांग्रेस आंदोलन खड़ा करती और सरकार को ना कुछ चने चबवाती, ये नहीं कर पाया। हमने प्रदर्शन हर जगह किया है, और प्रदर्शन हम जिन बातों में विश्वास करते हैं, कांग्रेस के काम करने की शैली, हमने अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी, जब हमने गोरों से लड़ाई लड़ ली तो हम चोरों से भी लड़ाई लड़ लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे जो कांग्रेस का एक सिस्टम है काम करने का, पहली ये कि हम कभी चरित्र हनन के अभियान नहीं करते, जो भारतीय जनता पार्टी का आदर्श काम है। दूसरी चीज़ यह है कि हम उन संवैधानिक मर्यादाओं को, जिसके कारण देश बना हुआ है, आज हमारे साथ आज़ाद हुए सारे देश तिरोहित हो गए, 4-4 बार 2-2 बार टूट गए, भारत नहीं टूटा, भारत खड़ा रहा एक जिंदा राष्ट्र के रूप में। उसका कारण है कि हमने जिन संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण किया, उनकी रक्षा की, उनको मूल्यवर्धित किया, हमने उनके सत्यानाश नहीं बिठाया। आज CBI जिस तरह से नंगी होकर सड़क पर नाच रही है और जिस तरह से उनके झगड़े हो रहे हैं, आप कल्पना करिए कि संस्थाओं को कितना नुकसान इस सरकार ने पहुंचाया, चाहे देश में चाहे प्रदेश में। ये माना जाता है कि CBI कांग्रेस की सरकार रही तो उनका तोता था, इनकी सरकार है तो इनका तोता है। नहीं, लोकपाल की नियुक्ति हुई क्या? हमारी सरकार लोकपाल के लिए गिराई गई थी ना, 4.5 साल में सरकार ने लोकपाल बनाया क्या? हमारी सरकार जिन फर्जी आंकड़ों के आधार पर गिराई गई थी, आज वो आदमी जो है एक बैंक की सबसे बड़ी संस्था का हेड बना बैठा हुआ है, और वो खुद अपने इंटरव्यू में कहता है कि मैंने जो है 40,000 करोड़ के घोटाले को 1,80,000 करोड़ इसलिए बताया था क्योंकि उससे कम में जनता को मजा ही नहीं आता, जनता उद्वेलित ही नहीं होती, इसलिए उसने झूठे आंकड़े बनाए, ये खुद स्वीकार करता है। गुप्ता जी, मैं आपको बहुत पीछे ले जाना चाहता हूँ। 2002 और 2003 का अगर आपको इलेक्शन कैंपेन याद हो, तो BJP ने जब दिग्विजय सिंह सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था, तो यही कही थी, मिस्टर बंटाढार अपराधों का सैकड़ा पार। उस समय सबसे बड़ा इशू था कि मध्य प्रदेश पे 38,000 करोड़ का कर्जा है, आज तो 2,00,000 करोड़ का कर्जा है, उसके बावजूद आप उस चीज़ को भुला नहीं पा रहे।
नहीं नहीं देखिए, भुनाना तो ऐसा है कि जनता का भी अपना दायित्व है, जनता को सामने आना पड़ेगा हर व्यक्ति के। आज 38,000 करोड़ तो नहीं था, उस समय करीब जो है 23,000 करोड़ का कर्जा था, वो 23,000 करोड़ समूची जनता के ऊपर कर्जा था। आज हर व्यक्ति पर जो है 23,000 करोड़ का कर्जा है, जो पहले पूरे प्रदेश पर था, आज वो एक एक व्यक्ति पर है। इस तरह की इन्होंने ये सरकार कर दी, और ये सरकार तो ये प्रचार करते हैं, आप लोग इस प्रचार में पिछड़ क्यों जाते हैं, मैं यही जानना चाहता हूँ। नहीं पिछड़ रहे हैं हम लोग, देखिए क्या है कि कई माध्यम हैं। आज हमें 8.5 करोड़ जनता से बातचीत करनी है, आप भी एक माध्यम है, अखबार भी एक माध्यम है, जहाँ से हमें जो सहयोग मिलता है, हम भौतिक रूप से हम जनता के बीच में जाएं, वो भी एक माध्यम है। धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी आई है, इसमें जो पहले जनसंपर्क के तरीके होते थे, आम सभाएं होती थी, वो धीरे धीरे चीज़ें पिछड़ रही हैं। आज संवाद हो रहा है किसके माध्यम से, आज संवाद हो रहा है कंप्यूटर के माध्यम से, संवाद हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, संवाद हो रहा है आपके चैनलों के माध्यम से। तो जो कम्युनिकेशन के, जो जब भी डिस्टेंट कम्युनिकेशन होगा तो उसमें जो है प्रदर्शन घट जाते हैं, और वही चीज़ हो रही है, लोग रिएक्ट कर लेते हैं। आज सोशल मीडिया पर लोग गाली बक लेते हैं, जो उनकी अंदर की जो एक ऊर्जा है किसी सरकार के विरोध करने की, उस ऊर्जा को वो संग्रहित करके अगर सड़क पर आपको लगता है कि जो सरकार को लेके आवेश है, आक्रोश है, उसको आप वोट में तब्दील कर पाएगी कांग्रेस? देखिए ये तो जनता की जरूरत है, आज देश को बचाना है तो ये जनता की जरूरत है। क्या ऐसी CBI उन्हें चाहिए कि वो CBI के लिए कोई नई CBI बनानी पड़े जाँच करने के लिए? क्या उनको ऐसे लोग, ऐसी सरकार चाहिए? मैं आपसे एक और बड़ी बात करना चाहता हूँ कि किस तरह के झूठे और मक्कारी भरी राजनीति है कि ये देश की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार के इस नाम पर हमारी सरकार को बदलने के नारे लगाए जिन लोगों ने, हमारे पठानकोट के एयरबेस पर जिन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया, परिवारों में घुसकर उनकी गोलियां बरसाई, हमारे सैनिकों के परिवारों में घुसकर उन्हीं लोगों की जो ब्लैकलिस्टेड और जो कमीनी एजेंसी है, जिसको माफ करूंगा मैं इस शब्द का प्रयोग करने के लिए, उस ISI से आपने उसी एयरबेस की जांच करा ली। भारतीयों का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? भारत की अस्मिता का इससे बड़ा अनादर क्या हो सकता है? जिस भारत ने 95,000 सैनिकों का पाकिस्तान के आत्मसमर्पण कराया, आज उसकी सैनिकों के अड्डों का परीक्षण करने ISI आ रही है, ये हमारे लिए सबसे शर्म से डूब मरने की बात है, और इसके लिए जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुझे लगता है कि ये मसला जब केंद्र के चुनाव होंगे तब भी जाएगा। यहाँ आपके पास बेसिक इशू, आपने किसान की बात की, महिला अपराधों की बात की, व्यापम की बात की, शिक्षा की बात की, इसके अलावा और क्या लगता है कि जिसपे आपको वोट मिलेंगे? महंगाई बहुत बड़ा मसला है, गांव गांव में लोग परेशान हैं। अभी देखिए ना, आप देखिए पेट्रोल लगातार कम होना शुरू हो गया है, शायद चुनाव आने वाले, इसकी वजह एक ये भी हो सकता है, यही वजह है, लोग इसको समझ पाए तो बहुत अच्छी बात होगी। और लोग आज ये सवाल पूछ रहे हैं, हमसे भी पूछते हैं कि भैया पेट्रोल के दाम कम काहे हो रहे, वे तो कह रहे थे कि सरकार को इसमें कछु दखल नहीं है। हमें उनको बताना पड़ता है कि दखल उनको पूरा है, वे अब चुनाव आ गए तो मैं बरगलाने गलाने घटा रहे हैं, जैसे चुनाव हो जाए आप कहीं अपने, आप जो अपना संकल्प पत्र ला रहे हैं उसमें कहीं ऐसी बात कर रहे हैं कि अगर राज्य में सरकार आपकी बनती है तो कहीं पेट्रोल को GST में लाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से, हमारे जो अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी, सिंधिया जी, ये सारे जो नेताओं ने घोषणा की हुई है इसकी, कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी हम 5 रुपये लीटर जो है कीमत घटा देंगे। और ये क्यों हम वादा कर रहे हैं? इसलिए वादा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है इस देश में जिसने जो है टैक्सेशन में एक नए तरह की लूट लगाई। हमारे यहाँ पर लीटर एक टैक्स अलग से लगता है, वैट तो है ही, वेट के बाद पर लीटर एक टैक्स लगता है 4 रुपए का, और वो टैक्स क्यों वसूला जाता है? हिंदुस्तान की कोई राज्य सरकार नहीं वसूल रही, क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के में जखीरेबाजों के पास और कोई संसाधन नहीं बचे, सोच नहीं बची कि हम कैसे और जो है नए संसाधनों को क्रिएट कर सकते हैं। एक बात तमाम सारे मित्र मुझसे पूछते हैं कई बार, और मुझे लगता है कि वो मैं कांग्रेस के मित्रों से उस सवाल को करूँ, वो सवाल मैं आपसे भी करना चाहता हूँ, अगर आपकी सरकार बनती तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर बड़ा संशय रहता है। देखिए आपसे मैं निवेदन करना चाहूँ कि भारत ने दुनिया में दो तरह की डेमोक्रेसी काम कर रही है। एक डेमोक्रेसी है जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करते हैं, वो हम देश हैं। दूसरी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो अमेरिका जैसे लोग हैं। धीरे धीरे जो भारतीय डेमोक्रेसी है जिसके माध्यम से हम 70 साल से एक स्थिर राष्ट्र के रूप में खड़े हुए हैं, उसको जो है एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ ढकेलने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये षड्यंत्र अभी तक जनता ने नाकामयाब बनाया है, आगे भी बनाएगी। हम जो विश्वास करते हैं वो कलेक्टिव लीडरशिप में विश्वास करते हैं,
और कलेक्टिव लीडरशिप में विधायक अपना प्रतिनिधि चुनता है। ठीक है, विधायक अपना प्रतिनिधि चुनता है, लेकिन हम अगर 1993 के अंत की बात करें तो दिग्विजय सिंह साहब विधायक नहीं थे, लेकिन उनको चुना गया था, फिर बाद में चुनाव लड़के वो सदस्य बने थे। तो कई बार ऐसा भी होता है, होता है। लेकिन अभी जिस तरह की स्थिति है, शिवराज सिंह विधायक नहीं थे जब उमा भारती को हटाया, इन्हें इनको बनाया बनाया गया, ये तो हारे हुए थे दिग्विजय सिंह जी से। तो ये अगर चुनी हुई विधानसभा, इस समय शिवराज सिंह का चेहरा है, तो आप कौन सा चेहरा ऐसा मानते हैं जो शिवराज सिंह के माकूल है, उनको टक्कर दे सकता है और उनके मुकाबले में उनसे बड़ा साबित हो सकता है? देखिए, आज मैं आपसे कहूँ, हमारे जो चेहरे हैं सार्वजनिक हैं, उन चेहरों के आज 15 साल से हम राज्य में नहीं हैं, इसके बावजूद कमलनाथ जी के बराबरी का लगता है क्या शिवराज सिंह का चेहरा? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की बराबरी का लगता है क्या शिवराज सिंह का चेहरा? या दिग्विजय सिंह के सामने दोनों को आसपास खड़ा कर दो तो ये चेहरा बड़ा दिखाई पड़ता है? दिग्विजय सिंह साहब तो खुद कहते हैं कि मैं मुझसे भाषण मत करवाओ, मैं भाषण करने जाऊंगा तो कांग्रेस के वोट कट जाएंगे। देखिए, हमने जो है एक पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन स्ट्रेटजी डिफ्यूज कर दी। अब उनके पास रोने के अलावा चारा क्या है? हम कोई बयान क्यों दे रहे हैं? हमारे नेता, वो हमारी रणनीति का हिस्सा है, वो हम उनसे पूछ के थोड़ी देंगे। हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी हमारे रणनीतिकार हैं। दिग्विजय सिंह जी जो है हमारे एक बहुत सम्मानजनक नेता हैं। आज वो कोई चीज़ कह रहे हैं और उसके जो है रिपरकशन, उसके परिणाम क्या आ रहे हैं, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बयान थोड़ी महत्वपूर्ण है, ये जो है टटपट ऐसे ही छोटे छोटे बयानों में लगे रहते हैं, लेकिन इसके परिणाम जो सामने आएंगे वो बताएंगे कि उनका बयान उपयोगी था कि कैसा था। भूपेन जी, आपने बहुत सफाई से अपनी बातों को रखा और कहा कि मुख्यमंत्री वाले मसले को आप टाल गए। मैं तो ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा? ज्योतिरादित्य जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, कमलनाथ जी हैं, कांग्रेस में बड़े बड़े नेता हैं, और बीजेपी के पास फिर एक ही आदमी बचता है, वो है शिवराज सिंह। तो लगते हैं शिवराज सिंह इतने बड़े नेता हुए हैं अचानक 15 सालों में कि पूरी कांग्रेस एक तरफ, शिवराज सिंह एक तरफ। देखिए, एक बार हमारी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता से ऐसी सौजन्य बातचीत हो रही थी, तो मैंने कहा, उनसे पूछा कि भाई साहब जो है शिवराज सिंह जी इतने अकेले क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? तो उनका ये मतलब ऑफ द रिकॉर्ड एक ऐसा डायलॉग था कि जो व्यक्ति खुद ही टीम नहीं बना सकता है, बना रहा है, तो उसकी टीम में कौन शामिल हो? तो पहले तो शिवराज सिंह जी ने कोशिश की कि उन्होंने टीम नहीं बनाई, और आज जो है प्रॉब्लम ये हो गई है कि आज 15 साल जब आपने किसी टीम का निर्माण नहीं किया और धीरे धीरे जो है सेकेंड लाइन को आपने समाप्त किया, तो अब आपके पास कोई टीम नहीं बची है। आखिर आज भारतीय जनता पार्टी के ही माध्यम से ये शिकायत सामने आ रही है ना कि 114 विधायक उनकी आशीर्वाद यात्रा से दूर रहे, या 14 मंत्रियों ने उसमें कोई रुचि नहीं ली। ये जो सार्वजनिक डोमेन में ये बातें आ रही हैं, ये सब उसी असंतोष के कारण आ रही है। इस असंतोष का कितना लाभ मिलेगा, कितनी सीटें मिल जाएंगी कांग्रेस को आपकी? देखिए, कांग्रेस आज मैं आपसे कहूँ, सरकार तो बनी रही है, आपके भी 3-4 सर्वे हो चुके हैं, सरकार हमारी बन रही, जनता जो है आक्रोश में है और जनता इन्हें घर बिठाना चाहती है, क्योंकि गांव गांव गली गली जो इनने छुटभैये नेताओं बिचौलियों को पनपाया, वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। वो भारतीय जो पुराने जो जनसंघ के संस्कार थे, उन संस्कारों से च्युत और पतित लोग हैं जिनको इन्होंने सत्ता का स्वाद चखाया, और इनका कार्यकर्ता तो बिटारा आज भी दरी पर जो है झाड़ू लगा रहा है और दरी पर सो रहा है। उस कार्यकर्ता को तो इन्होंने किस कोने में बिठा रखा है, ढूंढना मुश्किल है। आज इतना फ्रस्ट्रेशन है पार्टी के अंदर कि, और जिन संस्कारों, जिस राष्ट्रवाद के नाम पर इन्होंने वो कार्यकर्ता तैयार किए थे, आज वो खुद देख रहे हैं कि उसी भारतीय जनता पार्टी के लोग पैसे लेके ISI के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की पकड़े जा रहे हैं, और हमारी इनकी सरकार जो है उन्हें सजा भी नहीं दिलवा पा रही। भारतीय जनता पार्टी के 100 पदाधिकारी 3-4 राज्यों में एक पूरा रैकेट पकड़ा गया, जो ISI से पैसे लेके काम पाकिस्तान के लिए कर रहा था। कितनी शर्मनाक ये बात है। और आप पता करें क्या भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार उन्हें कोई सजा दिला पाई? ये बातें करते हैं कि हम जो है बलात्कार करने वाले को फांसी चढ़ा देंगे, और ये आतंकवादियों का साथ देने वालों को के लिए जमानत पर छोड़वा देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के दो चेहरे हैं, और इन चेहरों को जनता को समझना पड़ेगा। आपको लगता है जनता समझ पा रही है, आपके साथ आ रही है, कांग्रेस का समर्थन कर रही है? मैं आपसे आज, आप विद्यार्थियों से पूछें साहब, ऐसा कोई घर नहीं जहां पर एक बेरोजगार नहीं बैठा है। आपसे मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, आज क्यों भड़काया जा रहा है, ये सपाक्स और अजाक्स और ये सारी राजनीति क्यों कर रही भारतीय जनता पार्टी? इसलिए कर रही है कि समाज को इनमें उलझाए बिना उनका गुजारा नहीं है। आज भारत के अंदर मध्य प्रदेश जैसे राज्य में, मैं आपसे एक छोटी सी बात समझना रखना चाहता हूँ, आपसे समझना भी चाहूँगा कि
आज यहाँ पर आरक्षण का क्या औचित्य है? मध्य प्रदेश की सरकार ने सारे सरकारी पद खत्म कर दिए, भर्तियां हो नहीं रही हैं, तो आरक्षण जैसा है जैसा नहीं है उसका कोई अर्थ नहीं। आप जैसा कह रहे हैं कि आपकी सरकार बनेगी तो इन सारी चीजों को आप ठीक करेंगे। हमने रोजगार की एक योजना बना ली, हमारी इतना बड़ा रोड मैप हमने घोषणा भी कर दी हमारे अध्यक्ष कमलनाथ। हर बार होता है कि मंत्रिमंडल भी बन जाता है कांग्रेस का, की फला जी फला मंत्री बनेंगे, ढिमका बनेगा, इस बार कहीं चूक तो नहीं हो रही? हम लोग तो अभी आपने पूछा मुख्यमंत्री कौन होगा तो नहीं बनाया ना हमने, हमारे विधायक बनाएंगे। मैं लेकिन आपसे कह रहा हूँ कि रोजगार को लेकर हमारी एक बहुत बड़ी योजना सामने है, रोड मैप सामने आ जाएगा, कमलनाथ जी ने उसकी घोषणा भी की है कि हम मध्य प्रदेश में आने वाले हर उद्योग को सारी सुविधाएं जो देते हैं, हम उन्हें जमीन देते हैं, हम उन्हें बिजली फ्री देते हैं, हम उनके टैक्स के कंसेशन देते हैं, उसके एवज में हम मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, नौजवानों के लिए अनिवार्य रोजगार उनसे मांगेंगे, और इस अनिवार्य रोजगार का लोड उन पर ना पड़े योग्यता के आधार पर कि साहब आपके लोग उतने योग्य नहीं है, इसके लिए हम उनकी सैलरी का 25% सरकार कंट्रीब्यूट करेगी और उस कंपनी को देगी 3 साल तक। अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो बहुत शानदार और लाजवाब बात होगी अपने आप में, क्योंकि तमाम इलाकों में देश के फैक्ट्रियाँ जाती हैं और स्थानीय लोगों को वो रोज़गार नहीं मिल पाता जिसके वो हकदार होते हैं। भूपेन जी, आप विभाग बात में आए और बहुत बेबाकी से आपने अपने पक्ष को रखा, आपका बहुत बहुत आभार। आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे भूपेन जी से चुनाव के दौरान, और एक बार उनसे फिर बेबाक बात करेंगे। चलते चलते मुझे सिर्फ एक शेर याद आ रहा है कि वो बिका है कितने करोड़ों में, जरा इसका हाल बताइए, एक शख्स भूख से मर गया, ये कोई खबर तो नहीं। मुझे लगता है कि कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो उस आखिरी आदमी का, उस भूख से तिरोहित होने वाले व्यक्ति का ख्याल रखा जाएगा। भूपेन जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। गुस्सा आता है जब मासूम बच्चों को हैवानियत से नोचा जाता है। गुस्सा आता है जब आए दिन अखबारों में लुटती आबरू का जिक्र आता है। गुस्सा आता है जब मध्य प्रदेश का नाम महिला अत्याचार में सबसे ऊपर आता है। मैं मध्य प्रदेश की नारी हूं और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब इस महंगी डिग्री के बावजूद मुझे नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। अरे गुस्सा आता है जब स्टार्टअप कॉन्क्लेव, स्वरोजगार योजना और इन्वेस्टर समिट में रोजगार का झूठा वादा किया जाता है। आज भी याद है मुझे, हाथ जोड़कर कर्ज लिया था पापा ने, सोचा था नौकरी करके उनका बोझ हल्का कर दूंगा, पर आज खुद ही बोझ बन गया हूँ। मैं मध्य प्रदेश का युवा हूँ और रोजगार के झूठे वादे करने वाली इस भाजपा सरकार पर अब मुझे गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है मुझे जब मुझे मेरी फसल का पूरा दाम नहीं मिल पाता है। गुस्सा आता है जब मंडी पर बैठा वो बिचौलिया मेरे पैसे खा जाता है। गुस्सा आता है जब कर्ज के बोझ में दबा एक किसान मौत को गले लगाता है। गुस्सा आता है जब मुआवजे के लिए मुझे हाथ फैलाना पड़ जाता है। गुस्सा आता है जब मेरे किसान भाइयों पर कोई गोली चलवाता है। मैं भी मध्य प्रदेश का किसान हूं और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।